हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट, वेलकम इन ईवीएस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर आल्सो गोइंग टू कंप्लीट सम मोर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन बी, टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द wrong. Now question C, tick the right word to complete each sentence. मतलब यहाँ पर आपको एक एक सेंटेंस दिया है और उसमें दो वर्ड दिए हैं कि जिसमें से एक वर्ड है जिसको टिक करने से आपका सेंटेंस सही होगा और दूसरा वर्ड है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत है, तो आपको सही वर्ड को राइट करना है। तो चलो पहला सेंटेंस मैं रीड कर रही हूँ। फादर बास थिंग्स ऑब्लिक नथिंग फॉर द फैमिली। पापा है वो फैमिली के लिए चीज़ें लाते हैं या कुछ नहीं लाते हैं। थिंग्स मतलब चीज़ें, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो फादर फैमिली के लिए अलग अलग चीज़ें लाते हैं या कुछ नहीं लाते, तो पापा ही थिंग लाते हैं, तो थिंग्स को राइट करेंगे। नाउ नंबर 2, पेरेंट्स लव ऑब्लिक हेट देयर चिल्ड्रन। मतलब पेरेंट है वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, लव मतलब प्यार करते हैं या हेट मतलब धिक्कारते हैं, नफरत करते हैं, तो लव करेक्ट वर्ड है। नंबर 3, मदर हेल्प्स ऑब्लिक डज नॉट हेल्प हर चिल्ड्रन इन देयर होमवर्क। मम्मी है वो अपने बच्चों को होमवर्क करने में हेल्प करती है या हेल्प नहीं करती है, तो भाई हेल्प करती है। अगर मम्मी को किसी की ही मम्मी आजकल तो ऐसी होगी कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, तो जिसको आता है वो तो सभी मम्मी हेल्प करती है। नाउ नंबर 4, चिल्ड्रन शुड डिसओबे ऑब्लिक ओबे देयर पेरेंट। डिसओबे का मतलब होता है कहा नहीं मानना और ओबे का होता है कहा मानना, तो बच्चों को अपने पेरेंट का कहा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए ना, इसलिए ओबे। तो नाउ यहाँ पर क्वेश्चन सी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइट वन गोल्डन रूल अबाउट द फैमिली। मतलब फैमिली के बारे में एक सुनहरा नियम बताओ कि भाई फैमिली के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ कि ओबे द पेरेंट्स, शेयर योर वर्क, राइट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब फैमिली के गोल्डन रूल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। मतलब अलग अलग तरह की फैमिली के नाम बताओ। तो हमको पता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, वन इज स्मॉल फैमिली एंड सेकंड वन इज बिग फैमिली। नंबर 3, व्हाट इज अ फैमिली। मतलब फैमिली किसको बोलते हैं, तो के अ ग्रुप ऑफ पीपल विच रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टूगेदर इज कॉल्ड अ फैमिली। मतलब लोगों का एक ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ जिसका कोई ना कोई रिश्ता है और जो एक साथ रहते हैं। ऐसे तो देखो हमारे दादा दादी, अगर हमारे उसका हमारे साथ रिश्ता है, अंकल आंटी का भी रिश्ता है,
लेकिन वो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं तो वो हमारी फैमिली नहीं मानी जाती, वो अलग फैमिली होती है। तो दो कंडीशन है, एक तो हमारा उनके साथ रिश्ता होना चाहिए और दूसरा वो हमारे साथ एक साथ रहते हुए होने चाहिए। नाउ नंबर 4, हु आर योर सिबलिंग्स, मतलब आपके सिबलिंग कौन है। तो अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर अवर सिबलिंग, मतलब हमारे जो सगे भाई बहन है वो ही हमारे सिबलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर व्हाट्स है, मतलब आपको सोच के आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है। अ मदर नेवर कुक फूड फॉर हर चिल्ड्रन, मतलब मम्मी है वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती है, तो ये वाला गलत है। नंबर बी, वी प्ले विथ अवर सिबलिंग्स एंड कजिन्स, हम अपने सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन और कजिन्स मतलब हमारे अंकल आंटी के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो तो सही है, तो उसको हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहो तो राइट का टिक लगा सकते हो। नाउ यहाँ पर है एक्टिविटी जोन, मतलब ये आपको खुद को एक्टिविटी करनी होती है। तो चलो देखते हैं क्या करना है। आस्क योर ग्रैंड मदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट डाउन हर आंसर, मतलब अपनी दादी माँ को ये क्वेश्चन पूछना है आपको खुद को और उसके आंसर यहाँ लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेयर डिड यू लिव वेन यू वेयर ऑफ माई एज, मतलब आपको अपनी दादी माँ के पास जाके उनको पूछना है कि दादी माँ जब आप मेरे जितने उम्र के थे तब आप कहाँ रहते थे, तो वो लिखना है। नंबर बी, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, दादी माँ आपका मनपसंद खाना क्या है। नंबर सी, हु हेल्प्ड यू विथ योर होमवर्क, मतलब दादी माँ आपको होमवर्क करने में कौन मदद करता था। नंबर डी, व्हाट डिड यू कॉल योर फादर, व्हाट डिड यू कॉल योर फादर, मतलब दादी माँ आप अपने पापा को क्या बुलाते थे। नंबर ई, व्हाट डिड यू कॉल योर मदर, मतलब दादी माँ आप अपनी मम्मी को क्या बुलाती थी। नंबर एफ, डिड यू हैव अ पेट, मतलब दादी माँ आपके पास कोई पालतू जानवर था, व्हाट वॉज इट्स नेम, अगर था तो उसका नाम क्या था। तो ये एक्टिविटी आपको जरूर करनी है, इसको ब्लैंक मत छोड़ना क्योंकि इसमें आपको मजा आएगा और आपकी दादी माँ है उसके बारे में आपको और कुछ जानकारी मिलेगी जो शायद अब तक आप नहीं जानते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को हम यही ख़त्म करते हैं। मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ कि ये जो माय फैमिली वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या क्या देखा। तो के दो तरह की फैमिली होती है, पहले तो फैमिली किसको बोलते हैं वो, फिर टू टाइप्स ऑफ फैमिली होती है स्मॉल एंड बिग, फिर घर में किसका क्या रोल है, मतलब फादर क्या काम करते हैं, मदर क्या काम करती है, ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ग्रैंड मदर क्या करती है, हमारे सिबलिंग के साथ हम खेलते हैं, ये सब देखा, कजिन्स देखे, फिर फैमिली के गोल्डन रूल्स, ये आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए क्योंकि फैमिली में से ही हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं।
फिर यहाँ पर हमने कुछ एक्सरसाइज की, यहाँ पर की टर्म सीखी। तो मैंने आपको बताया है कि ये टी की टर्म्स आपको जरूर लर्न करनी है। वापस बता रही हूँ, यहाँ पर जो स्पेलिंग आते हैं वो आपको जितने भी हो सके लर्न करो। जितने ज़्यादा स्पेलिंग आएंगे उतने ही आपको इंग्लिश जल्दी आएगी। लास्ट में यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर किए और फिर यहाँ आपको मैंने एक एक्टिविटी समझाई जो कि आपको आपकी दादी के साथ करनी है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसकी PDF मैं इसके साथ इसके वीडियो आएंगे तभी भेज दूंगी। टिल दैट टाइम गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।